हाँ मैं मारती हूँ जंग के लिए तैयार। तो भाई आप लोगों के सारे एग्जाम्स अभी तक हो चुके होंगे, और अगर नहीं भी हुए हैं तो फिर जो भी बच्चे कुछ एग्जाम्स हैं वो भी बहुत जल्द हो जाएंगे। और अब आपका 2 अप्रैल को कंप्यूटर साइंस का एग्जाम आपका आ रहा है और वो बहुत क्लोज आ गया है। तो यार अभी मुझे पता है कि आप लोगों में से बहुत से लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लूंगे कि यार मैं कहाँ से करूँगा, कैसे सिलेबस कंप्लीट होगा, मैंने पूरे ईयर लॉन्ग कुछ भी नहीं पढ़ा है। तो ध्यान से सुनना, ये जो 10 दिन की मैं स्ट्रैटेजी बता रहा हूँ, इस 10 दिन की स्टार्टिंग में आप यहाँ पे होगा, 10 दिन के बाद जब आपका एग्जाम से जस्ट 1 दिन पहले आपका लेवल यहाँ पे पहुँच गया होगा, ठीक है। क्योंकि यार पूरे की पूरी 10 दिनों के अंदर मैं आप लोगों के साथ सारा का सारा कंप्यूटर साइंस का सिलेबस आप लोगों के साथ करा रहा हूं, आप लोगों को पूरा पूरा सिलेबस और एकदम फ्रेश वीडियोस, न्यू वीडियोस बेस्ड ऑन द न्यू सिलेबस जो कि आपका अपडेटेड सिलेबस है 2023-24 का, उस वाले सिलेबस के बेसिस पे हम सारी की सारी चीजें कवर कर रहे होंगे। और यार मैं आपको गारंटी के साथ बोल सकता हूं, अगर इस सीरीज को आपने पूरा पूरा कंप्लीट करके देख लिया स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक, और यार सबसे बड़ी बात जो है आपकी वो है कि आपको यहां पे सबसे ज्यादा क्रिस्प वीडियोस मिलती हैं, सबसे छोटी वीडियोस होंगी जिसमें कि आपका ऑलमोस्ट सारा की सारी चीजें बहुत कम टाइम के अंदर कवर हो रही होंगी। देखो यार ध्यान दो, जब भी आपका एग्जाम होता है तो एग्जाम के टाइम में सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है टाइम मैनेजमेंट, क्योंकि यार ज्यादातर बच्चे यहीं पे लैग करते हैं कि वो टाइम को अच्छे से मैनेज नहीं कर पाते। उनको लगता है कि यार मैं अभी पूरा पूरा एक एक घंटे दो दो घंटे के लेक्चर्स वो 2x पे देखते हैं और समझ में उनको आ नहीं आता है। अभी अगर यहाँ पे आप सर्च करोगे यार क्लास 12 कंप्यूटर साइंस के लिए जो भी कंटेंट चैप्टर 1 चैप्टर 2, आपको घंटों की वीडियो मिल जाएंगी और उनमें भी अलग अलग पार्ट्स बना रखे एक ही चैप्टर के लिए। और यार इस तरीके से अगर आप भी सिलेबस कवर करने बैठे तो फिर आपका पूरा पूरा सिलेबस नहीं होने वाला और ना ही आप इसको अच्छे से समझ पाओगे, ठीक है, और लोड अलग हो जाएगा। तो इसीलिए सबसे इंपॉर्टेंट हमारे लिए है सिलेक्शन करना सही जगह से पढ़ने का, ठीक है। यार ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको लग सकता है कि यार ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि हमें पता होना चाहिए कि आखिर हमें कैसे किस जगह से क्या कवर करना है। एग्जाम्स के टाइम पे कोई भी ऐसी चीज़ हमें नहीं करनी है जिससे कि हमारा टाइम गलत जगह पे वेस्ट हो और हमारा टाइम और वैल्यू का आउटपुट सही ना मिल रहा हो। हमें ऐसी जगह पे अपना टाइम को इन्वेस्ट करना है जहां पे हमारे टाइम की वैल्यू हो, जहां पे हमारे मार्क्स आ रहे हो ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। तो भैया क्या स्पेशल है आप हमें बता दो, आप ही बता दो कि हम कैसे क्या कर सकते हैं। तो ध्यान से देखो यार, पिछले ईयर सेम टाइम पे, ठीक है, मैंने क्लास 12 के लिए कंप्यूटर साइंस को 9 डेज के अंदर, 9 से लेकर 7 डेज के अंदर मैंने पूरा का पूरा सिलेबस कंप्यूटर साइंस का कवर कराया था क्लास 12 का, ठीक है। और यार उस बैच के अभी तक वीडियोस पड़े हुए हैं मेरे कमेंट सेक्शन में, चैनल पे जाके आप चेक कर सकते हैं और एक एक कमेंट देख सकते हो, ठीक है। इतनी ज्यादा पसंद आई थी लोगों को सीरीज, एंड यार मैं यही चीज देख के मैं सोच रहा हूं कि इस बार फिर से आप लोगों के लिए पूरी की पूरी 10 डेज के अंदर अंदर आपको क्लास 12 का कंप्यूटर साइंस का सिलेबस करा दिया जाए, ठीक है। और यार इस बार जो वीडियोस होंगी बहुत हाई क्वालिटी वीडियोस होंगी और एक एक वीडियो में इतनी ज्यादा बढ़िया क्रिस्प क्वालिटी में मिल रही होंगी, ठीक है, जिससे कि यार आपको एक बार वीडियो देखते ही पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाने वाला है, ठीक है। और इसको देखने के बाद आई कैन गारंटी यू कि यार इसको देखने के बाद आपको किसी और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यार हमें सिलेबस पता होना चाहिए, तो सिलेबस वगैरह सारे की सारी वीडियोज जो है सिलेबस वाइज ही आपकी अपलोड हो रही है, डजंट मैटर यार बाहर में जाए कुछ फर्क नहीं पड़ता। आप लोग एनसीईआरटी पढ़ रहे हो, सुमित अरोड़ा देख रहे हो, प्रीति अरोड़ा कर रहे हो, कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है, आप बस इन वीडियोस को कवर कर लेते हो तो आपका क्लास 12 कंप्यूटर साइंस सीबीएसई के सिलेबस के ऊपर बेस्ड ये सारी की सारी वीडियोस होंगी, ठीक है। तो जो कुछ भी आप देखोगे, जो कुछ भी आप इस वीडियो में देखोगे, वो सारा का सारा आपके सिलेबस में ही होगा, सिलेबस से बाहर कोई भी चीज इसमें आपकी नहीं आने वाली है, ठीक है। जो भी चीजें डिलीटेड है वो मैंने ऑलरेडी आउट कर दी है, और पुराने वाले जो लेक्चर्स हैं यार जो यूट्यूब पे ऑलरेडी अभी आप सर्च करने जाओगे बहुत से लेक्चर्स आ जाएंगे, तो यार वहां पे वीडियोस में दिक्कत ये है कि वो लोग पुराने कंटेंट जो है वो भी ऐड हो रखा है। तो यहां पे अगर हम डिलीटेड चीजें पढ़ने पर रह गए तो हमारा सारा का सारा सिलेबस कंप्लीट नहीं हो पाएगा। तो आपके लिए ध्यान रखना ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि आपको वही चीजें पढ़नी है जो कि आपके सिलेबस के अंदर है, और वो प्रोवाइड कर रहे होंगे इस चैनल पे हम, ठीक है। तो यहां पे आपको करना क्या है, कुछ भी नहीं करना, बहुत सिंपल प्लान है, ठीक है। कुछ वीडियोस आप देखोगे चैनल पे ऑलरेडी मैंने 2 चैप्टर अपलोड कर दिए हैं, फर्स्ट चैप्टर रिविजन टू पाइथन का, सबसे पहले आप सिलेबस देखोगे, सिलेबस पर नजर डालोगे तो सबसे पहले आपको नजर आएगा कि रिविजन ऑफ पाइथन टू क्लास 11 की चीजें आपकी सारी की सारी फर्स्ट टॉपिक पे दे रखी है, ठीक है। तो वहां पे आपको रिविजन टू जो भी आपने क्लास 11 में पढ़ा था वो सब कुछ ही पूछा जाने वाला है, जिसमें से यार बहुत हद तक मार्क्स आते हैं, एमसीक्यू वगैरह के क्वेश्चंस भी वहां से बन जाते हैं, ठीक है। तो यार ये आपको अच्छे से कर लेना है। सेकंड टॉपिक जो आता है आपका वो आता है फंक्शंस का, तो फंक्शंस वाला अभी मैंने नोट्स आधे कंप्लीट कर लिए, कंपाइल कर दिए हैं, वो बहुत जल्द उसके ऊपर लेक्चर आ जाएगा, ठीक है। तो फंक्शंस हो गया। थर्ड चीज जो आती है वो आपकी आती है फाइल हैंडलिंग, और फाइल हैंडलिंग का लेक्चर ऑलरेडी चैनल पर अपलोड हो चुका है, चेकआउट कर सकते हो, उसको देख लेना, ठीक है। और अभी डे वाइज मैं बताऊंगा कि किस तरीके से आपको हर एक दिन को प्लान करना है, बट फिलहाल हम सिलेबस के ऊपर नजर दे रहे हैं। तो फिर सेकंड हमारी चीज आती है यहाँ पे आपका फाइल हैंडलिंग। फाइल हैंडलिंग बहुत अच्छा खासा टॉपिक है यहाँ पे, टेक्स्ट फाइल, बाइनरी फाइल, सीएसवी फाइल, रीडिंग अ फाइल, ओपनिंग अ फाइल, राइटिंग अ फाइल, सारी की सारी चीजें मैंने अच्छे से डिटेल में कवर करा रखी हैं। वीडियो देखनी है तो फिर क्लास 12 की प्लेलिस्ट आप चेकआउट कर सकते हो। और नोट्स जो यार मैंने एकदम आपको बता दूं, मैं पूरी यूट्यूब पे अगर आप सर्च करने जाओगे इससे बेटर आपको फ्री नोट्स प्रोवाइड कर ही नहीं रहा, इवन यार बेटर क्या कह रहा हूं, इससे आपको फ्री नोट्स कोई यूट्यूब पे प्रोवाइड कर ही नहीं रहा है। आप मेरे को बस चैनल को बता दो कौन से चैनल में आपको फ्री में क्लास 12 कंप्यूटर साइंस के नोट्स प्रोवाइड हो रहे हैं।
हर एक चैनल में आप कुछ भी चीज़ें सर्च मारने जाओगे वो आपको पेड मिल रही होंगी, ठीक है। हर चीज़ों का आपका कुछ ना कुछ कॉस्ट लग रहा है। तो यार अगर मैं मेरी तरफ से मैं प्रोवाइड करना चाहता कि आप लोगों को यार क्वालिटी कंटेंट में कोई भी पैसा ना देना पड़े, तो यार एक रुपये भी नहीं देने पड़ेंगे आपको, फ्री में टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। वरना मैं डिस्क्रिप्शन में भी लिंक डाल देता हूँ नोट्स का, उन नोट्स को आप इजिली एक्सेस करो, उनसे ईजिली पढ़ो। बहुत से बच्चों ने उनका प्रिंटआउट भी करा रखा है, आप चाहो तो प्रिंटआउट भी करा सकते हो, ठीक है। तो यार बहुत बढ़िया नोट्स हैं, उनका यूज़ करना है आपको, ठीक है। और उन नोट्स से ही अपना कंटिन्यूअस रिवीजन करते जानी है। तो सबसे पहली बात, आपका फंक्शंस वगैरह है, फाइल हैंडलिंग है, फाइल हैंडलिंग के नोट्स भी टेलीग्राम पे अपलोड हो चुके हैं, और फाइल हैंडलिंग के लेक्चर के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक में भी आपको फाइल हैंडलिंग के नोट्स मिल जाएंगे, ठीक है। तो फाइल हैंडलिंग के बारे में हमारे और भी कुछ टॉपिक्स आते हैं, जैसे कि नेटवर्किंग। इसके बाद हमारा नेटवर्क, इससे पहले हमारा एक टॉपिक आता है डाटा स्ट्रक्चर स्टैक का, ठीक है। तो स्टैक जो है पूरा का पूरा वो ऑलरेडी बहुत जल्द कल से परसों के अंदर आ जाएगा, ठीक है। तो आप ये समझ सकते हो कि स्टैक में थोड़ी बहुत बेसिक बेसिक चीजें, छोटा सा चैप्टर, ठीक है, बहुत इजीली कवर हो जाएगा। विद इन आई थिंक 30 to 40 मिनट्स आपका पूरा पूरा स्टैक चैप्टर, दैट इज डाटा स्ट्रक्चर जो है आपका, वो कंप्लीट हो जाने वाला है। इसके बाद आपका बड़ा अच्छा खासा जो चैप्टर, अच्छा खासा यूनिट मैं बोलूंगा, वो आता है नेटवर्किंग का, ठीक है। नेटवर्किंग के अंदर यार 3 से 4 चैप्टर कंबाइंड आते हैं, जिसमें कि हमारे नेटवर्क, टाइप्स ऑफ नेटवर्क, बहुत कुछ पूछा जाता है। तो यहां पर आपको सिलेबस में ध्यान दे रखना है कि बहुत सारी चीजें, तो आपको सिर्फ वही पढ़ना है। और यार बहुत सी चीजें मैं आपको बता दूं, यहां पर डिलीटेड भी पोर्शन है, ठीक है। तो अगर आप गलती से भी डिलीटेड पोर्शन पर टाइम वेस्ट करोगे, तो आपको उस रिजल्ट का आउटपुट उस लेवल का नहीं मिलने वाला है, ठीक है। तो इसके ऊपर मैं खुद से वीडियोस बनाऊंगा, इसके ऊपर नेटवर्किंग की वीडियोस आपके लिए बहुत जल्द आने वाली है। तो उसको देख के आप इजीली इसको कवर कर सकते हो, नेटवर्किंग वाला पोर्शन आपका हो जाने वाला है। और इसके बाद फाइनल जो लास्ट आता है, वो हमारा आता है डाटाबेस कॉन्सेप्ट्स एंड हमारा एसक्यूएल। तो यार यही मेनली ब्रॉड ब्रॉड अगर हम डिवीजन करें, तो यही सब कुछ होने वाला है। और यार अगर मैं बात करूं कि भैया ये सब कितने टाइम में कवर होगा, कैसे कवर होगा, आपके चैनल पर ज्यादा कुछ कंटेंट अभी है नहीं, तो देखो ऐसा नहीं, कंटेंट तो मैं बहुत जल्दी डाल सकता हूं, बट यार दिक्कत यहां पर ये कि मैं चाहता हूं कि आप लोगों को क्वालिटी कंटेंट मिले, ठीक है। एंड नोट्स भी बनाना, साथ साथ में क्वालिटी कंटेंट भी डालना, वीडियोस भी डालना, ये सब कुछ यार आप लोगों को बहुत जल्द, मैं पूरा अपना 100% दे रहा हूं। अगर आप लोग भी अपना 100% देते हो, तो यार मैं आपसे कह सकता हूं कि आपके 100 मार्क्स कहीं भी नहीं जा रहे कंप्यूटर साइंस पर, ठीक है। एंड हाँ यार मैं ये एकदम गारंटी के साथ कह रहा हूं, मैं अपने पूरे कन्विक्शन के साथ कह रहा हूं कि आपके 100 मार्क्स, फुल में से फुल मार्क्स कोई नहीं रोक सकता है यहां पर यार। क्योंकि सबसे पहले हमारी स्टार्टिंग में प्लानिंग ये रहेगी कि मैं ट्राई करूंगा, हम लोग साथ में क्या करेंगे, पिछले 6 से 7 दिन में, यानी कि 26 से 27 तारीख के अंदर हम सारा का सारा सिलेबस अपना कंप्यूटर साइंस का निपटा रहे होंगे, ठीक है। तो यार हम स्टार्टिंग के डेज में 21 से लेकर 27 तक हम सारा का सारा सिलेबस ऑलमोस्ट अपना कंप्लीट कर लेंगे। जो भी सिलेबस बचा होगा उनको अगले 1-2 दिन में कर लेंगे, बाकी जो बचे हुए दिन होंगे लास्ट के, ठीक है, जैसे कि हम कह सकते हैं 27 के बाद 28, 29, 30, 31, ये जो आखिरी के दिन होंगे, इनमें हम करेंगे सिर्फ और सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। अब यार प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस की इंपॉर्टेंस मुझे बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आप लोग 12th में हो कंप्यूटर साइंस, अगर आपने साइंस स्ट्रीम ले रखी है, तो आपको ऑलरेडी पता है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की क्या इंपॉर्टेंस होती है। तो हम एक एक पेपर सॉल्व कर रहे होंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की आपको पीडीएफ मिल रही होगी, जिससे कि आप लोग यार इजीली सारे सारे क्वेश्चंस, एक सारी चीजें एनालाइज कर सकते हैं कि क्या ज्यादा ज्यादा पूछा जाता है बोर्ड में, ठीक है। तो उस हिसाब से आपको अपनी प्रिपरेशन को सीबीएसई बोर्ड ओरिएंटेड बनाना होगा, ठीक है, तभी जाकर यार आप लोग बहुत अच्छा खासा स्कोर उसमें कर पाओगे। तो यहां पर हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे लास्ट के 2 दिन में, 1 अप्रैल और 2 अप्रैल के दिन में हम कर रहे होंगे अपना पूरा कंप्यूटर साइंस का रिविजन, ठीक है। तो यार इस पूरे 10 से 12 दिन की स्ट्रेटेजी के अंदर अंदर हम सारा का सारा सिलेबस को इस लेवल से, कंप्यूटर साइंस को अपनी इस लेवल तक पहुंचा रहे होंगे। और एट द एंड आप लोग यार थैंक यू बोल के जाओगे कि भैया आपके चैनल से पढ़ा, तब जाके हमें इस लेवल के हम मार्क्स इजीली अचीव हो पाए, ठीक है। तो यार आई होप यहाँ पे आप लोगों को क्लियर स्ट्रेटजी मिल गई होगी, और यार फर्दर वीडियोस बहुत जल्द आने वाली है, ठीक है। और इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना यार अपनी क्लास 12 कंप्यूटर साइंस के दोस्तों के साथ, ताकि उनको ये पता चल जाए कि आखिर किस तरीके से अपनी कंप्यूटर साइंस की प्रिपरेशन करनी है, और वो भी अच्छे मार्क्स ला सकें। तो यार इसी अच्छे नोशन के साथ एंड करता है इस वीडियो को, ठीक है। आई होप आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ रहे होंगे, ठीक है। और जो भी चीज़ है, जो भी लिंक्स हैं, इंपॉर्टेंट लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दी हैं, उनको आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हो और देख सकते हो, ठीक है। और पढ़ते रहो यार, तब तक कंप्यूटर साइंस फोड़ के आएंगे मिलकर, ठीक है। और इन 10 दिन के अंदर अंदर सारा का सारा सिलेबस निपटाने वाला है, तो पूरी एनर्जी के साथ लग जाओ अपनी कंप्यूटर साइंस की स्टडीज में। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।